उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी दल अपनी तैयारियों के साथ चुनाव अधिसूचना के जारी होते ही उतरने को बेताब दिख रहे हैं। ये चुनाव पहले की तरह सड़क पर भीड़ के साथ तो नहीं दिखेंगे, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन और वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने बड़े संगठन के साथ मैदान में है, अधिकतर नेता पूरब से पश्चिम तक बड़ी रैलियां कर चुके हैं और अब संगठन के सहारे मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जाकर मतदाताओं से रूबरू हो चुके हैं। आने वाले समय में अपने संगठन के साथ मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की नारे के साथ कांग्रेस महिलाओं पर फोकस कर चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सहारे अपने मतदाताओं तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। बड़ी रैली पदयात्रा पर रोक लगने के बाद अब यह चुनाव मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे आगे बढ़ेगा।